बच्चों एस्टेट के लिए आज हम फिजिक्स के लिए दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आज ह्यूमन आई की जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जो काम की बातें हैं वो हम पढ़ेंगे, और आप ध्यान से अभी सारी चीजें सुनते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ह्यूमन आई की अगर आप बात करते हैं तो ह्यूमन आई कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देती है। ह्यूमन आई जो आई सॉकेट होता है स्कल में, उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। उस सॉकेट में प्रेजेंट होगी। अगर आप डायमीटर देखते हैं बच्चों आई का, तो 2 से 3 सेंटीमीटर जो आई है उसका क्या रहता है, डायमीटर रहता है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब पार्ट ऑफ द आई में क्या क्या होता है बच्चों, जैसे एक तो हमारा जो लेंस होता है, लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का लेंस हमारे उसमें प्रेजेंट होता है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होगा। फिर जो है कॉर्निया, आपको पता होता है कॉर्निया क्या है, द आउटरमोस्ट जो पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। अगर आप सीधा, अगर मैं कहूं कि अभी आप अगर अपनी आई को टच करते हैं, तो जो एक ट्रांसपेरेंट जो ऊपर पार्ट रहता है, जो लेयर रहती है, उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्निया कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से, वो कॉर्निया होता है। ठीक है, लेंस मैंने आपको बता दिया। फिर आप आयरिस की अगर आप बात करते हैं, जो कंट्रोल करता है साइज, किसके किसके साइज को, प्यूपिल जो होता है बच्चों, प्यूपिल जो होता है उसके साइज को जो कंट्रोल करता है, ये रहा प्यूपिल, आपको दिख रहा होगा, इसके साइज को जो कंट्रोल करता है उसको आप क्या बोलते हैं, आयरिस आप बोलते हैं। फिर आपको ये दिख रही होंगी जो यहाँ पे जो मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर जूम करें ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, इनको सीलियरी मसल्स आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स बोलते हैं, जो कंट्रोल करती हैं लेंस के साइज को। आयरिस किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को, पर सीलियरी मसल्स जो होती है वो लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो और एक काम की बात है कि आप अगर विजन की बात करते हैं, जो मिनिमम रेंज होती है 25 सेंटीमीटर तक क्या है, हम देख सकते हैं, किस तक देख सकते हैं बच्चों, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। और वैसे आप दूर की बात करें तो वो इनफाइनाइट है, आप तारों को भी देख सकते हैं। फिर एक वर्ड पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हाँ, एक चीज और आपसे पूछी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, जो स्क्रीन होती है आई की हमारी, इसको आप क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। और जहां पे रेटिना प्रेजेंट नहीं होता इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं पर अंधेरा सा छा जाता, वो इमेज मतलब कहाँ पे बनी होगी, ब्लाइंड स्पॉट पे बनी होगी। ठीक है, वहां कोई स्क्रीन नहीं है तो कोई इमेज भी वहां नहीं बनी होगी। और जो ये फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है, ये जो लेंस के और रेटिना के बीच में ये विट्रस ह्यूमर होता है, और जो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो कॉर्निया और जो लेंस के बीच में जो यहाँ पे है, इसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का और जो भी अपना क्योंकि आई के बाहर बच्चों ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको अंदर देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां पे जो ये फ्लूड ही ये काम करता है कि न्यूट्रिशन अगर जो भी चीजें वहां पहुंचानी होती है, तो वो इन दोनों जो फ्लूड हैं उनका काम यहाँ पे रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 2 सेल्स होती हैं, एक क्या होती है, रोड होती है, और दूसरी क्या होती है बच्चों, कॉन्स होती हैं। ठीक है, इनका जो रोड का नंबर होता है बच्चों, कौन सी सेल्स, जो रोड्स होती हैं इनका नंबर क्या होता है, कम होता है, और जो कॉन्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। और क्योंकि ये हमें जो रोड सेल्स होती हैं रात को देखने के लिए काम आती हैं, जो हमें रात को थोड़ा बहुत दिखता है, इसी वजह से तो कह रहे हैं नंबर कम है, ज्यादा होता तो अगर रोड और कॉन बराबर होती तो हमें रात को उल्लू की तरह दिख जाता। ठीक है, सुबह जैसा दिख रहा है वैसा हमें दिख जाता, तो कॉन्स ज्यादा होती है इसी वजह से दिन में हमें प्रॉपरली दिखाई दे जाता, रोड्स का नंबर कम है इसी वजह से अच्छे से ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अब क्या है, एकोमोडेशन, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो क्या होता है, एडजस्ट करना होता है अपना जो लेंस है, ये जो पूरी हम बात कर रहे हैं उसको एडजस्ट करना है, ये क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। कैसे होती है, देखो जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, पास की चीजें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो फोकल लेंथ है वो हमारी कम होती है बच्चों, पास की जो चीजें देखनी है बिल्कुल पास है तो वहां पे फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसका मतलब फोकल लेंथ और जो पावर होती है बच्चों वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, फोकल लेंथ घटी तो मतलब पावर बढ़ गई, पास की चीजों को देखने के लिए मतलब पावर वहां पे ज्यादा होती है, और अगर फोकल लेंथ बढ़ गई है तो मतलब पावर घट जाएगी, ऐसा आप दूर की चीजें देखने के लिए करते हैं, क्या है, दूर की चीजें, और ये क्या है, पास की चीजें देखने के लिए आप करते हैं।
ठीक है, अगर फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे हमने दूर की चीजों के लिए कहा, तो यहाँ पे जो लेंस हो जाता है वो थिन हो जाता है बच्चों, लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाएगा, और यहाँ पे सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, कैसी हो जाती है, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगी, कौन, सिलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जो पावर है बच्चों वो घट जाएगी। इसका बिल्कुल अपोजिट किसमें हो जाता है, तब आप पास की चीजें देखते हैं, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाती है और पावर बढ़ जाती है, ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। फिर इसका जो डिफेक्ट है, जो आई के डिफेक्ट है बच्चों, वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मायोपिया पढ़ना है। मायोपिया में क्या होता है बच्चों, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी आप बोलते हो, नियर साइटेडनेस, जिसमें आपको जो पास वाली चीजें हैं, ठीक है, वो तो आपको दिख जाती है, पर दूर की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये नियर साइटेडनेस, मतलब आपको पास वाला दिख रहा है पर आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर दूर वाली जो चीजें हैं वो उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और इससे पहले एक बीमारी कैटरेक्ट, जो आपको पता होगा, जिसमें जो कॉर्निया है बच्चों वो बिल्कुल मिल्की, मतलब धुंधला सा हो जाता है, जिसमें या तो भी उसको साफ किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना भाई आंखें बनवाई हैं, तो आंखें बनवाने भाई वो कैटरेक्ट की वजह से वो ऐसे हो जाता है कि धुंधलापन अपना जो कॉर्निया है उस पर आ जाता है, उसको या तो बिल्कुल साफ किया जाता है, या फिर जो आजकल आर्टिफिशियल है, या उसको बिल्कुल ही निकाल के नया चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये चीज कैटरेक्ट में होती है। अब मायोपिया में आप ये देखो कि जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के बच्चों, रेटिना पे ना बन के कहाँ पे बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है, यहीं पे बिल्कुल आप सारी चीज याद कर लेंगे। इमेज नॉर्मली यहाँ पे बननी चाहिए, ये अपना कौन सा लेंस है, कन्वेक्स होता है, जो नॉर्मली हमारी आई में प्रेजेंट होता है। अब रेटिना पे इमेज ना बन के पहले बन जाती है, इसी वजह से ये कहाँ पे दूर का नहीं दिख रहा है। और अब क्या है कि अगर आपने कौन सा मायोपिया को करेक्ट करना है, तो आपको कौन सा लेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, फैला देगा लाइट को, फिर ये जो कन्वेक्स लेंस है वो इसको क्या कर लेगा, कन्वर्स कर लेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे वैसे एक्चुअल में मायोपिया में क्या हो जाता है, जो अपनी आई बॉल हो जाती है बच्चों, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कर्वेचर बढ़ जाता है अपनी, किसका, आई लेंसेस का, ये किसमें होगा, मायोपिया में ऐसा होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया में आपको क्या हो जाता है बच्चों, आपको यहाँ पे फार साइटेडनेस इसको बोलते हैं, दूर का दिखाई देता है, पास का आपको दिखाई नहीं देता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई, मोस्टली जो आप ये मानिए कि 15 से जो 30-32 साल तक का है, उसमें मोस्टली आपको क्या मिलता है, आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, मतलब मायोपिया मिलेगा। हाइपरमेट्रोपिया में तो क्या है, फायर साइटेडनेस, इसमें पास का नहीं दिखाई देता, जो कि मोस्टली एक जो बड़े तब हम होना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी पास की नजर मोस्टली नेचुरल तरीके से कमजोर हो जाती है, जिसको आप प्रेस बायोपिया भी कहेंगे, जो ओल्ड एज डिफेक्ट हो जाता है आई में, प्रेस बायोपिया जिसको बोलोगे, ये रहा, ठीक है, ओल्ड एज मतलब जो प्रॉब्लम आ जाती है, जनरली आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पास वाले की बात चल रही है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है कि आप जो पास वाले जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, देखो, एक तो जो फोकल लेंथ हो जाती है, क्योंकि लेंस जो अपना है ना वो काफी लंबा सा हो जाता है, जो लेंस हो जाता है अपनी आई का, जो कन्वेक्स है वो लंबा सा हो जाता है। अब यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन जाती है, रेटिना के बाद बन जाती है बच्चों, ये रेटिना है ना, मायोपिया में यहाँ बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में पीछे बनती है, बिल्कुल रेटिना के पीछे, तो दिखने तो तब भी नहीं वाला। तो आपको क्या करना है कि हमें पास की चीजें नहीं दिख रही ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि पास की चीजें देखने के लिए हमें जो लेंस है उसकी पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, तो हमें कन्वेक्स लेंस की पावर बढ़ाने के लिए कन्वेक्स लेंस और लगाना पड़ता है, तब इसकी पावर बढ़ती है और तब हमें दिखाई देता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि प्रेस बायोपिया, जो एक बड़े हो जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ता पास का, और ये तो आपने देखा होगा जो बाईफोकल लेंसेज है उनका यूज किया जाता है, किसका, बाईफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है, दोनों लेंसेज आपको वहां पे मिल जाएंगे, कौन सा, कनकेव भी मिल जाता है और कन्वेक्स लेंस भी वहां पे मिल जाता है। ऐसे चश्मे आपने देखे होंगे ना,
टीचर्स के, तो वहां पे आपको जो बड़े टीचर्स होते हैं, तो ऊपर वाला उनका जो रहेगा चश्मा है मान लीजिए, तो ऊपर तो आपको मिलेगा कनकेव और नीचे मिलेगा कन्वेक्स लेंस। आगे क्या मिलेगा? कन्वेक्स, जो कि पास की चीज है, क्योंकि नीचे आप मोस्टली ऐसे नीचे नजर झुका के देखते हैं ना, तो ये नीचे होता है कन्वेक्स, ऊपर होता है कनकेव। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो बाईफोकल वाले में हम ऐसे करते हैं, मतलब चश्मा ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों, जो स्पेक्ट्रम है या जो प्रिज्म है उसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म की एक बारी इमेज निकाल लेते हैं प्रॉपर। चलो ये देख लेते हैं, ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे डिस्पर्सन जो लाइट है वो किस में है? सात रंग में। आपको पता है कि व्हाइट लाइट अगर यहाँ पे रिलीज की जाती है, तो एक नॉर्मल अगर डायग्राम बनाएं तो ये दिखा देते हैं आपको। अब देखो इस लेंस को कह रहे हैं, एक बार इस प्रिज्म को बहुत ध्यान से देखो बच्चों। प्रिज्म में क्या हो रखा है? एक तो ये पेन, चलो आप देखो, एक तो ये जो प्रिज्म है इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं बच्चों। ये जो अगर आपके पास ये है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इंसिडेंट की यहाँ पे लाइट, यहाँ पे आपने लाइट है वो डाली। आपको पता है तब भी आप एक सरफेस पे क्या है लाइट को बेंड कराते हैं। मान लीजिए आप ये अभी रेयर मीडियम से और एक ग्लास में जा रहे हैं, मतलब ये डेंसर मीडियम है। कहाँ से जा रहे हैं? रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। तो आप पता है ना, सरफेस पे आप एक नॉर्मल बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हो, तो उसको आप नॉर्मल बोलते हो। जैसे ये एक सरफेस है, तो ये जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है जिसमें एन लिखा गया है, इसको आप क्या बोल रहे हैं? ये नॉर्मल है बच्चों। क्या खींचा गया है? ये नॉर्मल। तो तब भी आप रेयर से डेंसर की तरफ जाते हैं, तो लाइट जो है वो किसकी तरफ बेंड हो जाती है? टुअर्ड दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मान लीजिए आपने जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की गई, तो यहाँ हमने इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर खींच लिया, तो यहाँ टुअर्ड दी नॉर्मल जो है वो लाइट बेंड हो गई, टुअर्ड दी नॉर्मल। अब क्या है, डेंसर से रेयर की तरफ अगर लाइट जाती है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम दी, जैसे नॉर्मल ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ लाइट जाने की बजाय नीचे की तरफ बेंड हो गई, लाइट जो है वो बेंड हो गई। तो इसको क्या है कि अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट जो है वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में देखो ये जो लाइट है वो ऐसे जानी चाहिए थी, ये सीधी, ये ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है ना, और अगर इस लाइट को आप देखते हो, तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी। तो ये जो एंगल है बच्चों, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंट इसको बोला जाता है। एंगल ऑफ एमर्जेंस बोल लो, या एंगल ऑफ एमर्जेंट, या एमर्जेंट रे इसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे जो आप डिस्पर्जन आप देख रहे हैं, डिस्पर्जन में क्या हो जाता है कि जो व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर में यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है, विबग्योर, जिसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विब, एक मिनट बच्चों, क्या है ये लिख लीजिए आप, विब रेजी और फिर YOR, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, जिसको आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब देखो, जिसकी जितनी ज्यादा, एक पूछा जाता है डेविएशन, डेविएशन ठीक है, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी, लैम्डा जितना ज्यादा होता है, लैम्डा जितना ज्यादा होता है, डेविएशन उतनी कम होगी। जैसे रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, क्योंकि देखो ये जो वायलेट कलर है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा डेविएट हो रखा है, ये फैल जाता है, पर डेविएशन रेड कलर में सबसे कम होती है। रेड कलर में डेविएशन क्या होती है? सबसे कम होती है। और मतलब कि वेवलेंथ के हिसाब से आप याद रखिए कि डेविएशन और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या होते हैं बच्चों? इनवर्स होते हैं। रेड कलर लेस डेविएटेड होता है, वायलेट कलर मोस्ट डेविएटेड होता है। ठीक है, फिर एक पूछा जाता है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कि अगर व्हाइट लाइट यहाँ पे थी, तो दूसरा अगर आपने एक प्रिज्म लगा दिया, तो लास्ट में आपको व्हाइट लाइट ही यहाँ पे मिल जाती है, जिसको आप रिकम्बिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आप अगर बात करो, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको समझ में आ गया, प्रिज्म आपको समझ में आ गया, और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रेयर से डेंसर पे जा रही है, तो टुवर्ड दी नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी,
और एक डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, ठीक है, ये अवे हो जाता है और ये टुअर्ड दी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर हम एक दो चीजें और पढ़ते हैं कि जो रेनबो है उसमें कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, आपको ये अभी याद रखना है। ठीक है, एक तो डिस्पर्सन होता है बच्चों, तब भी रेनबो बनता है, ये आपने पढ़ रखा है रेनबो कैसे बनता है। सिर्फ आपको फिनोमेना याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एज अ प्रिज्म बिहेव करती है, तो वहां पे एक तो डिस्पर्सन होता है, स्प्लिटिंग हो गई लाइट्स की, फिर रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। क्या होता है रिफ्रैक्शन? एक होता है यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। ये था डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बाद हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, या इसको TIR भी बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये तीन चीजें होती है तब भी रेनबो बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, जिस एटमोस्फेयर में आप रह रहे हैं, जिस एटमोस्फेयर में आप रह रहे हैं वहां पे बहुत सारी लेयर है। क्या है? बहुत सारी लेयर। अब अगर आप बाहर देखोगे, जहां मान लीजिए जहां ये अपना जो स्टार्स हैं, जो अब मून भी है या फिर जो प्लैनेट्स हैं, वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है, पर हमारे यहाँ तो एटमोस्फेयर है। तो वहां से जैसे ही लाइट आती है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार है और यहाँ से लाइट आ रही है, पर यहाँ पे डेंसिटी देखिए ना, तो लाइट ऐसे नहीं रह पाती, वो इधर इधर उधर उधर बेंड होके तो हमारे पास वो किसी और ही पाथ से लाइट पहुंचती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है कि एक्चुअल में स्टार यहाँ पे था, पर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इधर उधर घूम घाम के हमारे पास लाइट जैसे आई, ठीक है, बेंडिंग हो गई, लाइट हमारे पास आई, तो हम क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं कि लाइट बिल्कुल हमारे बिल्कुल सीधी आई होगी, हम एक इमेज बना लेते हैं। तो ये एक्चुअल पोजीशन होती है और ये अपेरेंट पोजीशन है। तो हमें स्टार्स जहां हम देख हमें जो दिखाई देता है ना, एक्चुअल में स्टार वहां नहीं होते, हम थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। तो ये जो एक्चुअल हमें इमेज नहीं दिखाई देती है, किसकी वजह से होता है? ये होता है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जो ट्विंकलिंग होती है बच्चों स्टार्स की, वो भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि आप उसको पॉइंट, आप लाइट का सोर्स मानते हो कि भाई अगर एक पॉइंट का ये स्टार है, क्योंकि प्लेनेट बहुत बड़ा हो जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट हो जाता है लाइट के सोर्सेस का। तो यहाँ से लाइट आई, तो मान लीजिए हम देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, तो लाइट एक बार तो आ गई, एक बार हो सकता है भाई वो लाइट प्रॉपरली इतना वहां पे डेंसर मीडियम हो गया कि वो लाइट नहीं पहुंच पाई। तो एक बार तो मेरे पास लाइट आ गई, दूसरी बारी में नहीं आई, फिर आ गई, फिर नहीं आई, आ गई, फिर नहीं आई, तो वो ऐसे लग रहा है कि ट्विंकल कर रहा है कि लाइट आई नहीं आई। बैटरी पे एक बार हाथ लगा लीजिए, फिर हटा लीजिए, लगा लीजिए, हटा लीजिए, ऐसे लगेगा कि बैटरी भी चमक रही है, ट्विंकलिंग कर रही है। पर ऐसा किस में नहीं होता? प्लैनेट्स में नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट में ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं, तो लाइट तो किसी ना किसी पॉइंट से तो हमारे पास पहुंच ही जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर क्या है बच्चों, इसी में एक फिनोमेना और हो जाता है कि जो हमें सनराइज जो हो जाता है बच्चों, वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जो सन जाता है ना, तब अपना जो सूर्य है वो छिपता है, तो चला तो 2 मिनट पहले ही जाता है, पर वो फिर भी हमें दिख रहा होता है, मतलब वो डिले रहता है वहां पे। कैसे? कि यहाँ पे हम हैं, ये होराइजन है और यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे लाइट आई, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है कि लाइट हमारे तक मान लीजिए पहुंची, तो हम इमेज उसकी क्या है, थोड़ी सी ऐसे ऊपर बना लेते हैं, तो हमें 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है। फिर से तब सूर्य जो है वो छिप जाता है, तो सूर्य तो जा चुका है, फिर भी उसकी लाइट जो है वो आ रही है, हमारे पास आ रही है, तो फिर भी हम उसकी इमेज यही बना रहे होते हैं कि अभी भी सूर्य है, हालांकि वो नीचे जा चुका होता है। ठीक है, तो ये जो जल्दी सूर्य दिखना 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जो छिप जाता है तो 2 मिनट लेट तक हमें वो दिखता रहता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, सनसेट डिले होने का कारण और एडवांस सनराइज का कारण एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। अब देखो कि जो एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो टॉपिक है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जैसे आपने ये देखा होगा कि लाइट का फैल जाना, अब रेड कलर आप तभी डेंजर साइन देना होता है तो रेड कलर को दिखा देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि रेड कलर फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं होता है, क्योंकि वो फैल जाएगा तो दूर तक पहुंचेगा नहीं ना, बात समझ रहे हो? फैलना मतलब देखो, अब किसी ने खा पी के कोई उधर ही फैल गया तो वो दूर तक पहुंच थोड़े पाएगा,
जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की जैसे वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटर कम होता है। स्कैटर होने का मतलब होता है भाई वो लाइट वहीं फैल गई, यहाँ पे लाइट का सोर्स था वो यहीं फैल जाएगी, आगे तक जाएगी ही नहीं, आगे तक वो जाएगी ही नहीं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। पर रेड लाइट क्या है बच्चों, स्कैटर नहीं होगी वो, जहां दूर तक वो डिस्टेंस तक वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी, इसको आप स्कैटरिंग बोलते हो, ठीक है। स्कैटरिंग इनवर्स होती है वेवलेंथ की, जैसे वेवलेंथ और डेविएशन भी एक दूसरे का क्या थे बच्चों, इनवर्स थे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी ना। और सेम अगर आप निडल इफेक्ट की भी बात करते हो कि जहां पे हम जहां जैसे पार्टिकल साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें उन चीजों का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो हमें दिखना शुरू हो जाता है, इसी को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो। जैसे आपने वो देखा होगा ना, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, भाई एक बंद कमरा है, अंधेरा है, पर वहां पे एक छोटा सा ऐसे गैप है और सूर्य की ऐसे लाइट आती है, तो हमें वो पूरा रास्ता और उसके वो पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, इसी को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हो, ठीक है। और जो अपना जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है, क्योंकि आप अगर ऐसे देखते हैं तो अगर आप विबग्योर लिखते हैं तो जो स्काई ब्लू या जो ब्लू जो है वो वेवलेंथ जो है वो जल्दी वहां पे स्कैटर हो जाती है, रेड का स्कैटर होने का नंबर आता ही नहीं है, तो जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे हम साउंड। साउंड का आपको क्या क्या मतलब, जो नेचर है वेव नेचर है, कैसा नेचर है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो आपको पता है कैसे कैसे आवाज जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो चीज तो हमसे नहीं पूछे जाने वाली, तो हम काम की चीजों पे ही आएंगे। आपके पास दो तरीके के से वेव होती है, क्या होती है वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और एक क्या होती है मैकेनिकल वेव होती है। क्या होती है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो साउंड हो गई उसको मीडियम की जरूरत है, मतलब वो एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव में भी वो किस तरीके की वेव है, क्योंकि वहां पे भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है बच्चों, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स तो ऐसे ट्रेवल करती है और लॉन्गिट्यूडनल, अरे साहब क्या हो गया, ऐसे ट्रेवल करती है, पता नहीं क्या हुआ, और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। इधर उधर मतलब पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेंगे, और तब भी आप मतलब तब साउंड की बात आती है तो पार्टिकल इधर से उधर क्या है ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और ट्रांसवर्स में एनर्जी ऐसे जाती है, तो जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है और मैकेनिकल वेव है। तो पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए थी। फिर आप जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की, प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड, ये पता लग गया है, मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे ये देखो, अगर जैसे एक आप जो मेटल फोर्क जैसे होती है, इसमें अगर आप हिट करते हैं, अगर आपने इसको हिट किया यहाँ पे मारा, तो ये क्या करेगा, एक बार तो बाहर की तरफ मूव करेगा, इधर आएगा फिर अंदर की तरफ आएगा। जैसे इसने बाहर की तरफ मूव किया तो ये जो बाहर वाली एयर थी उसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, वहां पे डेंसर हो जाएगी एयर, कलेक्ट हो जाएगी, और जो एनर्जी थी वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई, वो यहाँ ट्रांसफर हो गई है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, पर जो साइड वाली जो एयर थी वो तो वैसे ही तरीके से प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेयरफेक्शन मीडियम प्रेजेंट हो गया। यही प्रेशर, यही जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होगा। तो जो साउंड का अगर आप तरीका देखते हैं क्या प्रोडक्शन का, तो एक जगह तो कंप्रेशन हो जाता है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, तो इस तरीके से जो साउंड है वो ट्रेवल ऐसे करती है। फिर अगर आप फैक्टर देखें कि कैसे कैसे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, ये बता दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कि तब इधर से उधर जो ट्रेवल करता है, जिसमें कंप्रेशन, रेयरफेक्शन यहाँ पे भी बनता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करने वाले हैं। एक तो नेचर ऑफ द मीडियम, जैसे साउंड सॉलिड फॉर्म में जो सॉलिड चीज होगी वो वहाँ ज्यादा ट्रेवल करेगी, साउंड सॉलिड में ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है बच्चों, गैस में। जैसे आपको आयरन, वाटर और एयर का एग्जाम्पल दिया जाए तो आयरन में स्पीड जो साउंड की होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर और आप देखो तो मीडियम तो पहला इफेक्ट हो गया, अगर दूसरी आप बात करें तो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट आता है। हम बात कर रहे हैं स्पीड की, स्पीड ऑफ साउंड,
तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ती है. ह्यूमिडिटी भी डायरेक्टली होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की अगर आप बात करो तो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और स्पीड है. तो उसमें कैसे कैसे होगा, अब एक वेव है अगर इन्होंने दिखा रखा हो तो, जैसे ये एक वेव बना रखी है बच्चों. अब यहाँ पे ये एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है. तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस कहलाता है, ये वेवलेंथ कहलाती है. और ये जो डिस्टेंस है नीचे, ये मीन पोजीशन से ऊपर तक का, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड. या तो एक क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा, एक क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा, या एक ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा. फिर पूछा जाता है टाइम पीरियड क्या होता है, कि जो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्रस्ट और ट्रफ बनाने के लिए एक कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि एक सेकंड में कितनी वेव वहां कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, उसको आप फ्रीक्वेंसी कह देते हो. जैसे एक तो ऐसे है और ये साफ क्यों हो रहा है बच्चों, एक तो ये ऐसे बना रखी है आप समझ गए होगे, और दूसरे बिल्कुल ऐसे क्लोज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी कंपेरिजन टू पहले वाले की, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है. फिर फ्रीक्वेंसी की आपसे यूनिट पूछी जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, हर्ट्स आप उसको बोलेंगे. फिर अगर आपसे लाउडनेस ऑफ साउंड की बात की जाए तो वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. किस पे, एम्पलीट्यूड पे. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं. अगर आप म्यू, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स होंगे. और जिसकी हम बात कर रहे थे लाउडनेस की, तो लाउडनेस क्या होगी, कि एक फिर से वही दिक्कत आएगी पर आप समझ जाना, एक तो सिंपल ऐसी वेव है, ठीक है, नहीं आई, और एक वेव ऐसी है बच्चों, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब ये साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है. फिर है पिच की बात, पिच मतलब जो तीखा जो आवाज़ होती है ना, तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी ज़्यादा है, और एक ऐसे वेव बनी हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी पिच भी कम हो गई. मतलब पिच जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है. तो लड़के और लड़कियों की आप ऐसे आवाज बता सकते हैं, क्योंकि वहां पिच यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये जो सारा बता रखा है, ये जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हाई पिच हो गई, यहाँ पे ये लाउडर हो गई क्योंकि ये जगह ज्यादा है, ये सॉफ्ट हो गई क्योंकि ज्यादा लाउडनेस है नहीं, और यहाँ पे पिच कम हो गई क्योंकि ज्यादा वेव नहीं है, ठीक है. यही सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं. फिर जो स्पीड आपको बताई है, पर उसमें अगर एक बात, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, जो म्यू इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय में वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे का क्या होते हैं बच्चों, इन्वर्स होते हैं. ये फार्मूला काम का है, आपको याद रखना है, ठीक है. ये स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ये अभी अभी मैंने बताया कि सॉलिड में ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम गैसेस में. फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अभी इसी की बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ दी साउंड. अब देखो, इसका भी पहला लॉ होता है, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट करती है और फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, जैसे आप लाउड स्पीकर है या मेगाफोन है, अगर वो आप देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो साउंड है उसको कलेक्ट किया जाता है. यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखे होंगे, जैसे ये है मेगाफोन्स हैं, तो इसमें जो साउंड है पहले, वैसे तो फैल जाती, भाई हम डायरेक्ट बोलेंगे तो वही फैल जाती, पहले हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, फिर वो जहाँ भी पहुँचानी होती है वो चीज़ वहाँ पे पहुँच जाएगी, ज़्यादा साउंड आएगी, ठीक है. सेम स्टेथोस्कोप में भी ये चीज़ की जाती है. स्टेथोस्कोप जो होता है उसमें वो डायफ्राम वो काम वो करता है, ठीक है, लगा होता है ना आगे. फिर आपसे बात पूछी जाती है बच्चों, इको जो होती है, ऊपर ही था ना, पता नहीं अभी कहाँ है, पर है यहीं पे ही. अभी हम इको की बात कर लेते हैं. इको क्या है, आपने देखा होगा कि जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, उसको आप इको कहते हो. रिपीटेशन ऑफ साउंड आपने देख करते हैं ना, पहाड़ों में कोई आवाज़ देता फिर वो वापस हमारे पास आती है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, एक तो जो बोलने वाला है और जो पहाड़ है, मतलब जहाँ पे वो टकरा के आएगी, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 17.2 मीटर के पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए. और जो साउंड हमने बोला और जो आवाज़ वापस आ रही है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 0.1, इससे कम गैप होगा तो हमें वो मिक्स हो जाएगी आवाज़, हमें दोबारा सुनाई नहीं देगी. तो इको के लिए कंडीशंस होती हैं. फिर रिवर्बरेशन,
जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये रहा। तो इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारी तब साउंड इको तब मिक्स हो जाती है, बहुत सारी साउंड तब आ जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसी वजह से जैसे जो सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पे फाइबर लगा दी जाती हैं या शीट्स लगा दी जाती हैं उनकी, जहाँ पे आप सिनेमा हॉल में बैठते हो तो उनकी चेयर देखना वो भी अलग तरीके की आपको मिलेंगी, कारपेट बिछा हुआ मिलेगा, या सुस्ता जुगाड़ करना हो तो पर्दे लगा देते हैं ताकि मैक्सिमम जो आवाज़ है इको जो है वो क्या है एब्जॉर्ब हो जाए और वो क्या हो वो इधर उधर फैले ना, ठीक है। और जो सरफेस भी आप देखोगे, छत जो देखोगे वो ऐसी नहीं मिलेगी, वो ऐसी मिलती है बच्चों, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ज हो पाए, सारी आवाज़ हमारे तक पहुँच पाए, ठीक है। तो ये रिवर्बरेशन होता है। ऑडिबल साउंड कितनी होती है बच्चों? ऑडिबल हमारी होती है जो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इनऑडिबल उससे ऊपर चले जाओगे तो हो जाएगी। इंफ्रासोनिक जो होती है जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, कि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। जैसे अर्थक्वेक जो आता है हमें नहीं पता लगता, डॉल्फिन है उसको पता लग जाता है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, या जो रिनोसोरस होते हैं उनकी आवाज़ भी वो भी कम सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वो सुनते हैं। अल्ट्रासाउंड है जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसमें अल्ट्रा स्कैनर जो काम करते हैं और जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स जो होते हैं, उनको भी जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं वो सुनाई देती हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं अल्ट्रासाउंड की? तो देखो, अगर कोई भी स्टील या कोई भी आपने लोहे की ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है तो उसमें क्या है उसका अल्ट्रासाउंड में, जैसे हमारी बॉडी भी तो स्कैन होती है तो बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर आ जाती है, तो यहाँ पे वो स्क्रीन लगी होगी तो यहाँ पे क्या है आप अल्ट्रासाउंड्स आपने यहाँ पे डाली हैं, कहीं डिफेक्ट होगा तो आपको वो प्रॉपर इमेज नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, प्रॉपर नहीं आएगी, जिसमें प्रॉपर होगी उसमें बिल्कुल पैरेलल ऐसे चली जाएंगी, डिफेक्ट होगा तो बीच वाला पोर्शन गायब है, कहीं ना कहीं वो टकरा के किसी और को वो डिस्टर्ब करेंगी और दूसरी जो स्कैन लाइंस आएंगी उनको, ठीक है। फिर क्या है, जो कई ऐसी मशीन्स होती हैं भाई जिनकी क्लीनिंग वैसे पॉसिबल नहीं होती, तो उनमें भी अल्ट्रासाउंड मतलब जो है रेस उनको ही डाला जाता है, तो उनकी सफाई ऐसे की जाती है, ठीक है। स्कैनिंग की अभी मैंने बता दिया, ह्यूमन बॉडी ऐसे ही स्कैन की जाती है, ठीक है।